next we come to the energy band theory of solids. ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत. इंट्रोडक्शन. मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत. विद्युतीय चालकता, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रचक्रण आदि परिघटनाओं की व्याख्या करने में सफल तो है, परंतु यह बताने में असफल रहता है कि क्यों कुछ पदार्थ सुचालक होते हैं, क्यों कुछ पदार्थ कुचालक होते हैं और क्यों कुछ पदार्थ अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं. यदि ठोस के स्थिर धनात्मक आयन कोर के आवर्तिक स्थिर विद्युत आकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति पर विचार करें तो ये ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण कर देते हैं, जिसके आधार पर ठोस को अपन कुचालक, सुचालक अथवा अर्धचालक के रूप में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं. ठोसों का यह सिद्धांत जो है कहलाता है आपका ऊर्जा बैंड सिद्धांत या एनर्जी बैंड थ्योरी फॉर सॉलिड्स. फॉर्मेशन ऑफ अच्छी तरह से पता है कि प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत जो इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो क्या होती है? परमाणु होती है. प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ अलाउड इनर ऑर्बिट्स होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं. परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होने के कारण विद्युत रूप से क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है. परमाणु में विद्युत गुणों की विभिन्नता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में परिवर्तन या उसके स्थान परिवर्तन से आती है. परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न अनुमत ऊर्जा स्तरों वाले कक्षाओं में वर्गीकृत होते हैं. विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एवं हुंड्स रूल के अनुसार होता है, ये भी अपने सबको पता है. परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में पढ़ते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और फिर पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हुए ऊर्जा वृद्धि के क्रम से उच्च ऊर्जा वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं. सबसे बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन से अपूर्ण या पूर्ण रूप से भरा होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और तथा यह ऊर्जा स्तर संयोजकता ऊर्जा स्तर कहलाता है. ये कहलाएगा आपका वैलेंस एनर्जी लेवल. संयोजक इलेक्ट्रॉन अंतः कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की स्थिति की तुलना में नाभिक में सबसे अधिक दूर होने व आवरणी प्रभाव यानी कि आवरणी प्रभाव का मतलब होता है शील्डिंग इफेक्ट के कारण इन पर कुलाम आकर्षण बल लगने लगता है. शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जैसे आपका नाभिक है और ये है, ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है जैसे इससे सबसे दूर वाले के ऊपर ये देख तो दूरी ज़्यादा हो गई और बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं इस लास्ट वाले जो सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का कार्य करते हैं. इसको अपन आवरणीय प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हैं. तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है अंतः कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की स्थिति की तुलना के अंदर नाभिक में सबसे अधिक दूर होने के कारण और शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसके ऊपर जो कूलम जो है फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसको अपन क्या है नगण्य के रूप में ले सकते हैं. और इस कारण से क्या होता है कि ये इस नाभिक से सबसे लूजली बॉन्ड अपन इसको मान सकते हैं. और ये जो अन्य अब इसके पास में कोई दूसरा परमाणु होता है तो ये क्या होता है इस नाभिक से लूजली बॉन्ड है, तो ये इधर से उधर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है या किसी दूसरे परमाणु से संबंध बनाने के लिए एकदम क्या हो जाता है, यह स्वतंत्र हो जाता है. नाभिक से शिथिलबद्ध होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को अल्प ऊष्मीय ऊर्जा देने से भी क्या होता है, ये मूल परमाणु के आसानी से ये थोड़ी सी इसको एनर्जी मिली और ये मूल परमाणु से क्या हो सकता है, डिटैच हो सकता है. संयोजी इलेक्ट्रॉन जालक संस्था में लगभग मुक्त रूप से विचरण करते हैं, जैसे कोई समुद्र के अंदर तैर रहे हों. इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और परमाणु में अन्य इलेक्ट्रॉन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण, अन्य इलेक्ट्रॉन का मतलब जो अंदर वाले हैं ये क्या होते हैं, इनके
के ऊपर स्ट्रॉन्ग कोलम्ब फोर्सेस लगता है, तो ये क्या होते हैं टाइटली माउंट होते हैं, ये एकाएक इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। अगर इनको यहाँ से भेजना है तो आपको बहुत ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इनको कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब जैसे सामान्यतः ये जो है विद्युत के प्रभाव के अंदर कोई इनका रोल नहीं रहता, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही सामान्यतः इसके अंदर काम करते हैं। उदाहरण के लिए जर्मेनियम का एक अपन एग्जांपल लेते हैं, इसमें अपने को पता है कि 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इनका जो होता है ये इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस किस कक्षाओं में रहते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2, इस तरह से ये 36 इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं डिवीजन में। और ये जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हुए हर ऑर्बिट में जितने मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है उतने इसके अंदर ये भरे पड़े हुए हैं। तो जर्मेनियम क्या होता है, ये लास्ट में चार आया तो क्या हो गया, ये क्वार्टर वैलेंट या चतुर्संयोजी हो गया है। एकल परमाणु में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण जो बल लगता है उसके कारण ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा होती है, ताकि क्या नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंध रहता है तो है ना। और ये इलेक्ट्रॉन अनुमत ऊर्जा स्तरों में ही रहते हैं। जब किसी ठोस की दो परमाणु को आपस में क्लोज कांटेक्ट में लाया जाता है तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य करता है, कौन से इलेक्ट्रॉन से, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य करता है। इनके फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के प्रत्येक ऊर्जा स्तर परस्पर अन्योन क्रिया के कारण दो ऊर्जा स्तरों में विघटित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और एक स्तर की ऊर्जा पूर्व ऊर्जा स्तर के ऊर्जा के मान से कम तथा दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्व ऊर्जा स्तर के मान से थोड़ी सी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसके साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणुओं के विभव कूप की उभयनिष्ठ दीवार की जो हाइट है या वाल है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे दोनों परमाणुओं के संयुक्त ऊर्जा स्तर परस्पर उभयनिष्ठ हो जाते हैं और दोनों परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं। इसी प्रकार ठोसों में जिनकी प्रकृति प्रायः क्रिस्टलीय होती है, इनमें परमाणु नियमित रूप से निश्चित आवृत्ति में प्रतिबद्ध होते हैं, इन परमाणुओं के मध्य दूरी अत्यल्प होती है जिसके कारण प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणु से अन्योन्य क्रिया करते हैं और परमाणुओं के ऊर्जा स्तर के समूह में विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वी विल